एक लोग ना जैन साहब, मेरा लोग सवाल कि जब हम राजनीति में कुछ इस तरह के हार्ड शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस बार अभी ऐसी चीजों का ट्रेंड बहुत खतरनाक रूप से जाने लगा है? ना, क्योंकि पागल को पागल कहना कौन सा पाप है? क्योंकि इस मैंने कोई बार गलत कहा है? पागल को पागल कहो, जो पागल कौन होता है? पागल ये नहीं कि पागल खाने में जाना पड़ता है। पागल उसको कहते हैं जो बेहुद्दी बातें करे, बेतुक्की बातें करे, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे लोग पागल कहते हैं। पर यार ये इसका पागल, अच्छा आपके खिलाफ उससे कोई प्रोटेस्ट मत्था शुरू नहीं, कर दिए कांग्रेस ने? उससे कोई मत्था नहीं मारता। छोड़ो यार, पागल आदमी है, छोड़ो इसकी बात। पागल आदमी समझ तो आती नहीं है, दुनियादारी किसको समझ नहीं है, बात ये तरीके से करता नहीं है। तो मेरे खिलाफ देखो, बात ये है कि हम तो विधानसभा में पास किया है कि SOL नहीं दे, पानी नहीं देंगे, एक्स्ट्रा पानी है नहीं, और जो पानी दे रहे हो फ्री नहीं देंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, इसके अलावा एक और है, अभी आप की एक और विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल मालवा रीजन में बड़ी रैलियां करने वाले हैं, आपको लगता है कि मालवा में चुनौती बढ़ेगी अकाली बीजेपी अलायंस के लिए? मुझे तो नहीं लगा। क्यों नहीं लगता? देखो बात ये ऐसी है कि हम किसी को पूछ लेते हैं, मैं स्टेज पे खड़ा होकर पूछ लेता हूं, मैं आपके माध्यम से आज मैं कह रहा हूं, बताइए पंजाब के अंदर है कोई समस्या? शोर जरूर मचाएंगे कुछ लोग, अगर उनसे पूछा जाए कोई समस्या तो जवाब नहीं है। नहीं, केजरीवाल तो नोटबंदी के खिलाफ एक घेराबंदी कर रहे हैं कि जो मैं नोटबंदी की गई है केजरीवाल वो साहब, कुछ घरानों को फायदा देने अगर के कोई लिए की गई महापागल है तो वो केजरीवाल है। अब केजरीवाल से ये पूछो कि काले धन की बात अन्ना हजारे के साथ दिल्ली में जो बढ़ चढ़कर बात किया करता था, उसे पूछो भी काला धन वापसी या काला धन समाप्त करने का मंत्र क्या है, उसे पूछो क्या बताएगा वो। काला धन समाप्त करना, जो पर नरेंद्र वो मोदी, जो केजरीवाल नरेंद्र मोदी ने स्टैंड लिया है, हम ये मानते हैं कि 1000 का और 500 का नोट जो लोग करप्ट थे, उनके अलमारियों में, तिजोरियों में, घरों में दबाए हुए हैं, अगर वो नोट बाहर नहीं आएगा उसके एवज में वो मिट्टी हो गया, तो दूसरा नोट छपेगा तो काला धन मिट्टी हो गया। पर केजरीवाल कहते हैं कि ये प्लान तरीके से नहीं किया गया, दिक्कत जो है वो आम लोगों को आई है, जो परेशान हो रहे हैं वो आम केजरीवाल से लोग। ये पूछा जाए, इतना बड़ा स्टेप लिया जाए और उससे पहले अगर कोई लीक आउट हो जाए तो कहां की समझदारी है? अगर मान के चलो प्लान बनाते हम, 10 आदमी बैठ के प्लान बनाते हैं ये करना है वो, अरे वो प्लान लीक आउट हो जाए, पर जैनी साहब, आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट में दिक्कत हुई है इस कोई चीज को बात लेकर? नहीं। क्या दिक्कत है मुझे ये बताओ, मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि लोग कभी लाइनों में लगे नहीं। ये कांग्रेस जो बात कह रही है, मैं नहीं, खुद, सवाल मैं ये है बात कि सुन आप कह लो, रहे नहीं हैं नहीं कि लाइनों में मैं आम लोग अब लगे मैं हुए नहीं हैं, नहीं अरे लाइनों में बड़े अरे लोग क्यों मेरी नहीं लगे मेरी हुए सुनो, नजर आए? मैं मेरी बात तो सुनो ना, लाइनों में कांग्रेस के टाइम में मैं खुद लाइनों में लगा हूं, यूरिया खाद लेने के लिए, मिट्टी का तेल लेने के लिए, बीज लेने के लिए। कौन सी चीज बगैर लाइन के कांग्रेस राज में मिलती थी? हमने हजारों बार लाइन में लगे हैं, 4-4 बजे आके एक के नहीं डीजल के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कौन सी चीज की ब्लैक नहीं थी कांग्रेस के टाइम में? मैं लोगों को ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का साथ दें। देखो तो कोई बड़ा जब फैसला लिया जाता है देश हित में, अगर हम देश प्रेमी हैं तो हमें नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए। कष्ट आते हैं उसको सहना चाहिए, पर ये कष्ट जो है मीठा कष्ट है, आज तो कड़वा लग रहा है, इसका रिजल्ट बहुत मीठा आने वाला है। पर केजरीवाल कह रहे हैं कि सारी इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर जाएगी, जीडीपी गिर के जीरो पर आ जाएगी, और बहुत सारे अर्थशास्त्री भी ये बोल रहे हैं कि इससे इकोनॉमी डाउन होगी, इससे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डाउन होगी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी डाउन होगी, जीडीपी जो 6 पॉइंट समथिंग पर आई थी वो जीरो पर पहुंच जाएगी वापस। रुक जाओ, देखो सही, उन कहने से क्या आता है, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब इसका रिजल्ट आएगा ना, जब देखना, ठीक है, इंजेक्शन लगता है ना जी, तब दर्द होता है, और जब फायदा करता है ना तो शरीर तंदुरुस्त हो जाता एक है, इंजेक्शन 125 करोड़ लोगों को लगा दिया। लगा देगा, ठीक है। और लोग देखना इसी इंजेक्शन का फायदा, लोगों का सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, खून भी पूरा हो जाएगा, लीवर भी ठीक हो जाएंगे, गुर्दे भी ठीक हो जाएंगे। यही लोग जो देखो, देखो बात है, मैंने मैंने अपनी आंखों आपको से, लगता नहीं कि केजरीवाल की ये मैं रैलियां एक बात बीजेपी बताऊं, के अगेंस्ट माहौल बनाने में कामयाब मैं होंगी? आपको एक बात, छोटी सी बात बताना चाहता हूं, मेरी आंखों से देखी हुई। आज जिस मंडी में हम बैठे हैं, ये अनाज मंडी जब बाहर लेके आए थे ना जी, तो जो व्यापारी थे उन्होंने हड़ताल की थी, उन्होंने ये कहा कि हम बर्बाद हो गए, ये बड़ा गलत फैसला सरकार ने ले लिया, मंडी बाहर ले गई, हमारी दुकानों की वैल्यू गिर गई, हम ये हो गए, बैंक वो हो गए।
आज उन लोगों से पूछो ये फैसला ना लिया होता तो क्या वो बाजार में जो मंडी जितनी घास मंडी है क्या उसमें आज अनाज पूरा आ जाता क्या? जब फोकल पॉइंट बनाए थे तो ये कांग्रेस कहने लगे फोके पॉइंट बना दिए। अगर बादल की सोच ये फोकल पॉइंट ना होती तो आज क्या अनाज ये बिक पाता? ये बातें क्या है कि एक बार मुश्किल लगती है, जिस जगह बैठे हैं चेंज करना हो, घर भी तब्दील करेंगे तो मुश्किल आएगी, बैठे बिठाए तो घर भी नहीं तब्दील होता, बैठे बिठाए कभी कोई काम नहीं होता, अच्छे काम के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपको लगता है 2-2.5 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, इस फैसले से कॉमन मैन को इफेक्ट हुआ है? आपको लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो सरकार के खिलाफ एक थी, है भी, और बीजेपी को इंडिविजुअली इस फैसले का कहीं नुकसान हो सकता है क्योंकि जमीनी स्तर पर लोगों को कुछ परेशानियां हैं भी? अगर नुकसान होगा ना हम झेलने के लिए तैयार हैं। और बोलो, अगर लोग इसको बुरी बात समझकर नुकसान करते हैं ना, करते हमने देश हित देखना है, अपना हित नहीं देखना, अपना इतनी देखना। और ये इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, क्या है ना ही आएगी सरकार तो ना सही, हम अगर एमएलए नहीं बनेगा तो ना सही, क्या फर्क पड़ता है? पर हम तो देश की हित की बात करते हैं, लोगों की मर्जी है, लोग अगर इसको बुरा समझते हैं तो लोग फैसला ले लें। नरेंद्र मोदी भी पंजाब में अभी रैलियां करने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को काउंटर कर रहे हैं। अभी इलेक्शन जब आएगा तो ये तो परंपरा है, ये क्या पूछने वाली है? मोदी साहब भी आएंगे, राजनाथ भी आएगा, उनका भी आएगा, केजरीवाल साहब भी डुगडुगी बजाते हुए फिर रहे हैं। तो ये प्रजातंत्र देश है, वोट में बहुत बड़ी ताकत है, अगर इस वोट में ताकत ना होती ना तो कोई किसी को नहीं पूछता, क्योंकि शहीदों की जो असल कुर्बानी। अभी केजरीवाल जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कांग्रेस जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन हुई है इसका फायदा पॉलिटिकली लिया जा सकता है, तो मेरा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी वो डैमेज कंट्रोल के लिए आ रहे हैं पंजाब? फायदा करने के लिए आ रहे हैं, एक एम्स बहुत बड़ा है, एम्स जो बठिंडा बनने जा रहे हैं, कितने लोगों को फायदा होगा? आज पीजीआई में इतना लोड हुआ पड़ा है, उसमें राहत मिलेगी, लोगों का फायदा होगा। तो ये तो नरेंद्र मोदी ने पहले सोच लिया था, अभी एम्स सभी स्टेटों में देंगे, पंजाब को दिया है तो उसमें आएंगे, नींव पत्थर रख के और वादा करते हैं वो 10 महीने में इसको पूरा करेंगे, तो हम उसके लिए बधाई देते हैं नरेंद्र मोदी की एक अच्छी सोच के लिए। तो ये फायदा, अच्छा काम है, बुरा काम तो है नहीं। एक जैनी साहब, आपका एक और विरोधी जो कैंप है वो मजबूत हुआ था, आवाज़े पंजाब टूट गया, बैंस ब्रदर्स आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर गए, बीजेपी इस चीज को किस तरह से देख रही है? कौन पहाड़ फोड़ देगा? ना केजरीवाल से फूटता, ना नवजोत से फूटता, ना बैंस ब्रदर से फूटता। अब लोगों ने मन बना लिया, अब लोग वो लोग नहीं रहे कि लोग कांग्रेस जो है हरा चश्मा लगा के हरा दिखा देती थी, अब लोग समझ रहे हैं हरा क्या है पीला क्या है, सब लोगों को समझ में है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग जब मन बनाते हैं ना जी, तो लोग आज डेवलपमेंट विकास के बनाते हैं। सिंह सिद्धू बीजेपी के स्टार कैंपेनर रहे हैं किसी टाइम पर, अगर वो कल को कांग्रेस के लिए कैंपेन करते हैं तो नुकसान कर सकते हैं? देखो मैं बताऊं आपको, घर में बैठ के सब कुछ हो सकता है, घर छोड़ने के बाद में घर का नुकसान नहीं होता, अपना नुकसान होता है। आदमी मजबूत वही है जो अपने घर में बैठा है, जब घर से निकल गया ना तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का भी, ना बिगड़ता है। आज तक बड़े बड़े लीडर गए हैं, तो ये कोई है कोई सोच ले कि नवजोत सिद्धू ने बीजेपी का नुकसान किया? पार्टी चलती रहती है, पार्टी बहुत बड़े बड़े लीडर गए हैं आए हैं और कोई भी जाए, पार्टी हमेशा चलती रहती है, पार्टी विचारधारा है, पार्टी व्यक्ति नहीं है। ठीक है व्यक्ति से है फर्क, पर ये व्यक्ति के मन में आ जाए तो मैं हूं तो पार्टी की विचारधारा, तो बड़ी छोटी सोच है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ता, आज तक नहीं पड़ा कभी। कितने बड़े बड़े कैंपेन, बड़ी हाईटेक हो रही है, बीजेपी ने भी जिस दिन बूथ सम्मेलन था अपनी वेबसाइट नई लॉन्च की, हालांकि 2-3 साल पहले कमल शर्मा भी लॉन्च कर चुके थे एक मोबाइल ऐप, पर बीजेपी ने अभी एक दोबारा ऐप लॉन्च की है, दोबारा से वेबसाइट लॉन्च की है, कैप्टन अमरिंदर सिंह स्मार्टफोन देने जा रहे हैं, युग है आजकल, युग है तो युग के साथ तो चलना पड़ता है। आपको लगता है स्मार्टफोन भी एक अच्छा इनिशिएटिव है? चलो जो है आगे देखते हैं होता क्या है, क्योंकि लोगों को यह है कि सरकार ने लैपटॉप अनाउंस किए थे वो नहीं दिए। अनाउंस सरकार अगर करती है तो अगर आवश्यकता सरकार ने जो जिस सरकार ने जो बादशाह ने जो वादे किए वो तो पूरे किए सब, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं किया हो, मुझे नहीं लगता कोई वादा पूरा ना किया हो, तो ठीक है अगर कोई वादा करता है अगर पूरा निभाता भी है तो लोग उसके साथ होते हैं, पर कैप्टन साहब ने कभी वादा जो किया पूरा नहीं किया, किसी ने नहीं किया। और केजरीवाल साहब तो अपना मैं ज्यादा उनका नाम भी नहीं लेना चाहता,
बार बार फिर आप जैसे ना ऐसे कुछ और लेते हैं। केजरीवाल तो दिल्ली में देखिए, मैं बताऊं अब दिल्ली में क्या हाल है। और केजरीवाल साहब जो आपने लोगों ने दिल्ली में आपको राज दिया, वो तो सवार लो, मेरे रिश्तेदार हैं दिल्ली में, और कुछ लोग उसके साथ यार गाली देते हैं कि दिल्ली में कुछ भी नहीं किया उसने, जितने बात एक भी पूरा नहीं किया। आज दिल्ली का बुरा हाल है, दिल्ली का बर्बाद करके रख दिया। और आज अगर ऐसी कोई गलती पंजाब के लोग नहीं करने वाले, लोगों को पता है। एक हेल्थ सर्विसेज की बात कर लेते हैं थोड़ी। हेल्थ डिपार्टमेंट आपके पास है, पंजाब सरकार ने कुछ समय पहले अनाउंस किया था कि 2500 फ्री मेडिसिन शॉप्स खोली जानी है, उस चीज का क्या हुआ, कब से खोल दी? स्टार्ट है, खोल दी, सभी जगह चल रही है, उद्घाटन कर दी। हाँ, उसमें 54 प्रकार के खून टेस्ट और दवाइयां खोल दी। केजरीवाल कह रहे हैं हमारी नकल की है दिल्ली की। हाँ, केजरीवाल जो कहते हैं ठीक ही है, क्या नकल की है केजरीवाल की? को नकल करके मरना है क्या किसी ने? अरे भगवान, केजरीवाल की नकल तो किसी से ना कराए, मैं तो प्रार्थना करता हूँ। नहीं, वो तो ओपनली कह रहे हैं कि ये जो हमारी नकल की गई है, जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए। अच्छा, क्या बात, उससे पहला मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में थी, उससे पहले थी, वो तो जब कुछ बना ही नहीं था, पंजाब में पहले ही थी। तो नकल नहीं है ये? कोई नकल नहीं है। एक ज्ञानी साहब, डॉक्टरों की कमी का इशू पहले भी ये रहा है, वो उस कमी को किस हद तक पूरा कर लिया गया है? डॉक्टरों की कमी, अब देखो स्पेशलिस्टों की तो कमी है, और वो पूरी करने के लिए हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं जितना कर सके। MBBS डॉक्टरों की हमने पूरी भर्ती कर ली, स्टाफ नर्सेज वगैरह पूरी कर ली, जितने और जो भी स्टाफ में चाहिए सब पूरे कर लिए। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की हमने मतलब कमी पूरी करने के लिए एक स्पेशलिस्ट होता है, एक डिप्लोमा होता है, वॉक इन इंटरव्यू हमने रखी हुई है, ज्यादा लंबा प्रोसेस, एक दो महीने बाद वॉक इन इंटरव्यू करते हैं, उसमें डिप्लोमा आता है उसको भी ले लेते हैं, स्पेशलिस्ट को भी ले लेते हैं। करते करते आज हमारे पास 280 डॉक्टरों की कमी है, और वो 2-4-6 महीने में हम पूरी कर लेंगे। अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं, करते रहेंगे। सरकार दोबारा आ रही है? सरकार 100% दोबारा आ रही है, कोई रोक भी नहीं सकता, टोक भी नहीं सकता। आज मैं आपके चैनल में खुले आकर काम किया है, काम करेंगे, लोगों को विश्वास है, लोगों का दिल जीता है, लोग हमारे साथ है। एक जैन साहब, आपके अपने हलके में आप यहाँ से कैबिनेट MLA बने, प्राइम मिनिस्टर बने, कुछ लोग हैं आपके अपने हलके में भी कुछ विपक्षी खड़े हुए हैं आपके, तो उन चीजों का आप किस तरह से हल कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग आपका विरोध भी कर रहे हैं, दावेदार भी आए हैं टिकट के? विरोध, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, लोगों ने विरोध भगवान का भी किया है, लोगों ने विरोध बाबा नानक का भी किया है, मैं तो उनके जूती के बराबर भी नहीं हूँ, विरोध तो होता भी है। और इंसान का विरोध अगर नहीं है तो मैं ये कहता हूँ वो इंसान भी नहीं है, जिस इंसान के दुश्मन नहीं है ना तो वो इंसान नहीं है, उसे जानकारी भी नहीं है। जो ज्यादा विरोध होते हैं वो बड़ा कुछ सिखाते हैं, विरोध में भी इंसान बड़ा कुछ सीखता है। नफा या नुकसान किसी के बस में नहीं है, परमात्मा किसी का नुकसान ना करे, इंसान इंसान का नुकसान नहीं कर सकता। हम अपने काम के आधार पे स्टैंड है, हम हमारी जमीन इजाजत दे रही है कि हमें कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। जितने भी वादे किए आज मैं आपके चैनल के राह से बोल सकता हूँ, एक भी आदमी फाजिलका का खड़ा होकर कह दे कि जानी ने जो वादे किए पूरे नहीं किए, पूरे के पूरे वादे किए, और वो वादे किए जो नए होने वाले वादे किए। हमने कहा कि फाजिलका को नहरी पानी देंगे, कांग्रेस के लोगों ने मजाक उठाया, कहां से देंगे, 6 मासी नहरी है, पानी कहां से लाएंगे? हमने 6 मासी परी पानी वो मैं वाटर वर्क्स मंजूर कर दिया, फिर बोले ये तो मजाक कर दिया। मैंने कहा गंगा कनाल जो गंगानगर को जा रही है, हमने कहा मैं इससे पानी लेके दूंगा। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये झूठ मार रहा है, गंगा सिंह ने चिड़ी को भी पानी नहीं पीने दिया। मैंने कहा फाजिलका के लोग इसी से पानी पीएंगे। 7 क्रिसिस पानी गंग कनाल का मंजूर होके आज फाजिलका में आ रहा है, और पूरी ये टैंकी बनी हुई है। जिले की बात की, मैंने जिला बढ़ा दिया, और मैंने ये कहा था कि सिटी स्कैन मशीन मैं फाजिलका में लगाऊंगा, और पंजाब में 2 ही मशीन है, एक जलंधर है, एक फाजिलका में। लोग कहते हैं सिटी स्कैन मशीन को ऑपरेट करने वाले नहीं है। सिटी स्कैन मशीन आज तक 3000 कर चुकी है, और उसका इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है कि उसकी रिपोर्टिंग जो है चंडीगढ़ से होकर आती है, ऐसे होता है वो बिल्कुल पूरा काम से रोज 40-50। मेन अपनी अचीवमेंट है जो आप इस बार इलेक्शन में लेके जाएंगे अपनी, कौन सी है? नहीं, ये कोई मुझे बताए, जो नहीं मुझे कोई, ये मुझे कोई फाजिलका का आदमी बताए कि क्या डिमांड है, एक भी बताए, आप पूछ लो, एक भी नहीं बताएगा, कुछ छोड़ा ही नहीं हमने।
रेलवे लाइन की बात की वो कर दी, बस स्टैंड की बात की वो तैयार है। अब एक कॉलेज की बात की थी, उसमें क्या है कांग्रेस वाले अड़ंगा डालते हैं, कांग्रेस वाला बस स्टैंड बनने जा रहा था, हमने टेंडर कर दिए पैसे, कांग्रेस वालों ने स्टे ले लिया, कांग्रेस वालों को विकास के काम में कॉलेज की डिमांड भी है, कॉलेज की मैंने मंजूरी करवाई जैन संतों से, 25 एकड़ जमीन लेके दी, वहां कॉलेज बनना था, इंजीनियर कॉलेज बनना था, मतलब डिग्री कॉलेज बनना था, वहां एक स्कूल बनना था बच्चों का, छोटे बच्चों का, लड़कियों का कॉलेज बनना था 25 एकड़ में, इतने बड़ा था, इन्होंने कांग्रेस ने उसका स्टे ले लिया। अब हाईकोर्ट अगर स्टे दे दे तो हम उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बस स्टैंड का दे रखा है। ऐसे मैंने कैंसर हॉस्पिटल की बात कही थी यहाँ पे भी, मैं कैंसर हॉस्पिटल फाजिलका में बनाऊंगा, आज बन रहा है वो देख लो जाके, मंजूर भी हो गया, 65 करोड़ की लागत से बनेगा और टाटा के साथ है और अच्छी मशीनें यहाँ लगेगी। 100 बेड के हॉस्पिटल की बात कही थी, वो बन रहा है। ट्रॉमा सेंटर, अब यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाते तो कितनी दूर, ट्रॉमा सेंटर मंजूर मैंने फाजिलका में करवा दिया, अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हैंड इंजरी हो जाती है तो बहुत बड़ी बात है, वो भी करवा दिया। जैन साहब, इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है फाजिलका में, हालांकि कांग्रेस का कैंडिडेट अनाउंस होना अभी बाकी है, आपको क्या लगता है आपकी जो मुकाबला है किससे रहने वाला है यहाँ पे फाजिलका में, ईमानदार जो आप कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से? देखो बात सुनो, मैं नहीं मानता, देखो ये ना तो किसी को बता दो, इतना यंत्र हमी तो कोई नहीं होता, हमें इतना यंत्र स्थिति को, पॉलिटिकल स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं कि ये मजबूत है मेरे सामने, या कांग्रेस के जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए हैं इनमें से? अगर लोग सराफत को, ईमानदारी को, विकास को अगर वोट दें तो मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, बस आम आदमी पार्टी के लीडर कोई किसी से ज्यादा ईमानदार, मैंने कहा किसी से मुकाबला नहीं है। लोग अगर विकास, ईमानदारी, इन सब चीजों पे ध्यान दे, सराफत, और यहाँ जो हमने इलेक्शन कराए कभी किसी में घपलाबाजी नहीं, किसी को टॉर्चर नहीं, किसी को परेशानी किसी तरह की नहीं है, तो मेरे साथ किसी का मुकाबला नहीं है। एक आपके साथ का जो हलका है जलालाबाद, डिप्टी सीएम वहां से इलेक्शन लड़ते हैं, इस बार चर्चा है कि भगवंत मान भी यहां से उतार दिए जाएंगे अगर डिप्टी सीएम ने इसी हलके से इलेक्शन लड़ा तो। मैं अगर भगवंत मान फाजिल का ही लड़ ले, यहां आ जाए मेरे पास सामने, क्या है भगवंत मान, भगवंत मान मुझे समझ नहीं आ रही क्या क्वालिटी है उसमें। आप भगवंत मान को चैलेंज करते हैं आपसे? मैं करता हूं, आ जाए केजरीवाल, आप आ जाए, चैलेंज है मेरा, आ जाए फाजिलका में, आ जाए, दो नहीं गिनने देंगे। अब जो वो लड़ रहा है फाजिलका, वो गया था ना केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने कूदता हुआ, तो क्या बना हुआ, ऐसे ही अपनी पब्लिसिटी करने के लिए लोग काम करते हैं। तो ये देखो पब्लिसिटी और क्या है, जब मुंह पे पड़ेगी तो पता चलेगा ना क्या बनी, क्या करेगा वहां जलालाबाद में भगवंत मान। 3000 से भगवंत मान को अभी ये लगता है कि उन्होंने सुखदेव सिंह ढींडसा को, बहुत बड़े लीडर को हरा दिया, वहां के लोग रो रहे हैं इसके जी को, वहां जाके तो देखे एक बारी, किसी गांव में बढ़ के तो देखे, अब वो कोई बात नहीं थी, कोई वो इसकी काबिलियत थोड़ी जीती है वहां पे, ठीक है, वो आम आदमी पार्टी के वेव में ना, कौन सा आम आदमी पार्टी के कहां वोट है, वो तो विरोध के लोग सोचते भी वोट मिल जाएंगे, और इस बार इतना काम कर दिया, विरोध है ही नहीं तो वोट कहां मिलेंगे, वोट तो नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले। और लास्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी अकाली दल अलायंस कितनी सीट्स लेके जाएगा, ऑनेस्टी से जवाब दीजिए। मैं एक भी क्यों घटाऊ, मैं तो 117 लेके जाएंगे, बोलो मैं मेरे मुंह से क्यों कहूं, मैं अपना बंदर अपने मुंह से क्यों लंडा करूं, अब वो तो लोगों की मर्जी है, अब मैं ऐसे कह दूं मैं ये लेंगे क्यों, मैं तो 117 लूंगा, बिल्कुल एक छोड़ने वाला नहीं हूं, अगर लोग छुड़ा ले तो मेरे बस की बात नहीं है। शुक्रिया जैनी साहब हमें समय देने के लिए। तो ये थे पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर सुरजीत कुमार जैनी, जिनके मुताबिक वो अपने अचीवमेंट्स के बल पर दोबारा इलेक्शन में जाएंगे।